आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। पानसमल एसडीएम कार्यालय में एसडीएम को एकता चालक यूनियन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ड्राइवरों ने हिट एंड रन कानून को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग को लेकर समर्थन मांगा। एकता चालक यूनियन पानसमल के सदस्यों ने बताया कि हिट एंड रन कानून के तहत दुर्घटना होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 8 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। 10 साल की सजा के प्रावधान के कारण ड्राइवर के परिवार के भूखे मरने की स्थिति निर्मित हो जाएगी। इस कानून से गरीब ड्राइवर ही नहीं, उसका पूरा परिवार प्रभावित हो जाएगा। कानून में संशोधन नहीं किया जाता तो बस और ट्रक ड्राइवर वाहनों का संचालन करने से इनकार कर देंगे। ऐसे में परिवहन व्यवस्था भी लड़खड़ा सकती है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। पानसमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। मैं सूर्यकांत मालिक पानसमल तहसील में ग्राम जलगुन से हूँ। समस्या हमारी ऐसी है, जो सरकार ने कानून बनाया है, इस कानून के तहत यदि ड्राइवर वाहन नहीं छोड़ता है तो ऑलरेडी उसको पब्लिक मार मार कर या पीट के जगह पे मार भी देती है या तो उसको अधमरा कर देती है। उसके बाद यदि ड्राइवर छोड़ के चला गया तो सरकार उसको 10 साल जेल में डाल देंगी। 10 साल यदि वो जेल में चले जाएगा तो उसके परिवार को अकेला करने वाला होता है। वो परिवार छोड़ के 5-5 महीने 2-2 महीने वाहन पर चलता है, अपनी ज़िंदगी को जान को जोखिम में लगाकर। ऐसी हालत में यदि वो जेल में चले जाएगा तो उसके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार से एक ही सवाल है, यदि ड्राइवर को आप जेल में भेज दो भेज दो, लेकिन उसके बदले में उसके परिवार का भरण पोषण यदि सरकार करती हो या तो मोटर मालिक करता हो, तो हम इस कानून के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद जो भी समस्या परिवार को आएगी तो वो सरकार करे या तो मोटर मालिक करे, या तो फिर ये कानून वापस लेके इसमें संशोधन किया जाए और ड्राइवर को 5 लाख तक का मुआवजा यदि उस मौके पर वारदात होती है या मृत्यु होती है तो परिवार का पोषण करने के लिए इसको सरकार ने कुछ सोचना चाहिए।